अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसा था, हम गए, आप बोल, नहीं नहीं आप बोल, मैं बोलूँ, शुक्रिया। तो ऐसा था कि मैं और मैंने आपको बताया था कि मैं सफ़ान के कोर्स लेने जाऊँगी। तो जिस दिन मैं कोर्स लेने के लिए गई तो मैंने उनसे बोला कि मतलब स्टेशनरी वालों से कि मुझे डबल साइडेड टेप दे दें। तो फिर ऐसा हुआ तो वो टेप लेके मैं घर आ गई। तो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है नैनो टेप नैनो टेप नैनो टेप। मैं बहुत टाइम से मेरा दिल कर रहा था मैं वो चीज़ का एक्सपेरिमेंट करूँ। तो जब मेरा टेप घर पर आ गया तो मैंने उसका कवर देखा जो टेप में रैप हुआ था। मैं आपको शो करवाती हूँ, पूरी टेप जिसमें था वो उसका रैपर टांग गया। ये नहीं, तो अभी मैं देख कर दिखाती हूँ। तो जब मैंने उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था बकायदा नैनो टेप, मतलब जो मैं टेप डबल साइडेड समझ कर लेकर आई थी वो था एक नैनो टेप, जो कि आजकल यूट्यूब पर सब जगह बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो दो तीन दिन हो गए थे मुझे लाइव है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सबूर के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, पूरी एक्टिविटी भी हो जाएगी बच्चों की। और ये बच्चों की क्या, ये मेरी एक्टिविटी थी, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है कि बच्चों की तरह ये सारी चीज़ें करूं कि जैसे इससे क्या होता है इससे क्या नहीं होता। बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी डिबियाँ ले आती हूँ कि जो है समझ लें वो मुझे अच्छी लग रही थी। किस वजह से मैं आपको इसकी डिबियाँ दिखाती हूँ। सबूत दिखाना सर अपनी पेंसिल बॉक्स रैपर भी हुई। देखिए सबूर सफान के हिसाब से मैं इतनी बड़ी पेंसिल बॉक्स ले आई हूँ और मुझे इतनी क्यूट लग रही है कि मैंने इसको अभी तक पैक करके रखा हुआ है सिर्फ सजाने के लिए, जो कि मैं इन लोगों को अभी नहीं दूँगी, थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे फिर मैं इन लोगों को दूँगी। खैर वो मुझे रैपर भी देंगे, सबूर ये रैपर उठा के दो। ये रहा वो रैपर जिसमें ये टेप आया था, ये टेप आया था और ये रैपर था। जब मैंने इस रैपर को खोला तो इस पर सॉरी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इस पर लिखा हुआ था नैनो टेप। तो उस वीडियोस में मैंने वो लिखा हुआ देखा था नैनो टेप के नाम से, ये टेप टेप था। तो जब घर आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ये वही टेप है। तो मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ट्राई किया और मैं आप लोगों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करती हूँ, देखते जाइए। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए एक सीज़र और टेप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। एक बॉल लिया और हमारे पास बॉलिंग के अंदर कुछ भी करने का नहीं था, तो उसके लिए हमने ये ली। ये बच्चों की गन के साथ बॉलिंग आई थी, शूटिंग गन के साथ। तो ये हमने सबसे पहले एक बॉल में डाली, मतलब आप क्वांटिटी जितनी भी ले लें जितने भी आपके पास हो। तीनों ऐसे बैठे, मैं पता नहीं क्या करने के लिए बैठी हूँ। ये मैंने थोड़ी सी डाल ली, नहीं मैं थोड़ी सारी ही डाल दूँ, इतनी सी तो है। तो मेरे पास एक सिरिंज पड़ी हुई थी क्योंकि हमें देसी लोग, ये मैंने नेबुलाइज की सिरिंज मंगवाई थी। तो बच्चों की तबीयत सही नहीं थी तो मैं नेबुलाइज करने के लिए मैंने 10 ml की सिरिंज मंगवाई हुई थी, जिसकी मैंने मतलब सुई जो थी वो निकाल दी। उसके बाद ही मैंने पीछे से ओपन किया और मेरे पास ये जितनी भी ये वाली बॉल्स अवेलेबल हैं आपको इजीली कहीं पर से भी मिल जाएगी, क्योंकि ये हमने भी बचपन में, मैंने और शाहजेब ने बहुत सारी जमा कर करके हम मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती थी उसमें डालकर हम लोगों ने बहुत फुलाई हैं। मैंने और शायद ने सारे गेम्स खेले हैं क्योंकि वो और मैं ही साथ के थे, तला ऊपर के बच्चे, हम दोनों लड़ते भी बहुत थे और मतलब हम लोग की बनती भी बहुत थी। शायद कहता था एक घर में दो शेर नहीं रह सकते, एक मैं शेर नहीं एक वो शेर, हम दोनों के पड्डे भी बहुत ज़्यादा होते थे। खैर ये मैंने पूरा फिलअप कर लिया है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारी बॉल्स जो है मैंने इसके अंदर भर ली हैं और अब मैं एक सेकेंड इसको मैंने सेट करके रख दिया और अब मैंने अपना टेप को, ये जो नैनो टेप है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और ये इतना सॉफ्ट सा भी है इसलिए भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने इसको पहले खोला अपने हाथ को ड्राई कर कर, क्योंकि वरना इसकी चिपकना ख़त्म हो जाए। ये मैंने खोला, उसके बाद ये मैंने दूसरी तरफ जो है इसकी जो टेप है दूसरी तरफ इन्होंने प्लास्टिक वगैरह लगाई हुई है ताकि ये जो है मतलब डबल साइडेड टेप चुपक।
ये मैंने इसको दूसरी तरफ से हटा दिया, ये मैंने बिल्कुल अलग कर लिया। और इसके बाद हमने इसको डबल कर कर ये हमने यहाँ पे कॉर्नर्स इसके पेस्ट कर दिए, सिर्फ कॉर्नर्स कॉर्नर्स। और एक तरफ से मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, सिर्फ ये ऐसे ऐसे, बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग भी करिएगा ट्राई। ये देखें, ये सब तरफ से कर लिया हमने, ये एक तरफ से इसको खुला छोड़ दिया ताकि हमारी सिरिंज चली जाए। ये हमने इसको अंदर करा, देखिए मैं ट्राई करूँ, मेरा मजाक नहीं उड़ाइएगा प्लीज़। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने सिरिंज को अपने हिसाब से एडजस्ट करा और ये बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारी जितनी भी बॉल्स हैं ये सब इसके अंदर जाती जा रही हैं और ये भर चुका है। ये देखिए जैसा तैसा बना है, लेकिन मेरा बन गया, ये देखें। और ये मैंने किया इसको बंद, एक सेकेंड, एक सेकेंड सफान। ये देखिए इसको हमने, ओए थोड़ा सा खुला रह गया जिसमें से बॉल्स निकल रही हैं। मतलब आप इसे स्टिक को से अरेंज करके भी इसको बंद कर सकते हैं। मैंने आपको एक डेमो दिया क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड थी इसको बनाकर, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं क्योंकि अब आप तो मेरी फैमिली हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब आप इसको इजीली इतने ऐसे ऐसे प्रेस करें, इतना अच्छा सा बलून बनाइए। आप इसके अंदर बड़ा बनाएंगे ये बड़ा बनेगा, छोटा बनाएंगे छोटा बनेगा। मेरे पास ये वाली सीरीज थी तो इससे इतना ही बड़ा बन रहा था, तो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा, सुन रहे हैं ना आप, ये लोग क्या बोल रहे हैं आप तो दिखाओ। ये देखिए जी भी देखो, एक मिनट एक मिनट, एक एक करके, एक एक करके, ये देख, अच्छा है ना। आप इसको बच्चों, इसमें से पता है कैसी खुशबू आ रही है, अगर आप लोगों ने बचपन में वो खेला होगा, एक ट्यूब आती थी और एक जो है ना स्टिक आती थी, वो जो जिसमें वो नहीं आता था, वो जो इतनी सी ट्यूब होती थी उसमें से हम थोड़ी थोड़ी सी गम निकाल के उस स्टिक पे रखते थे आगे और उसको पीछे से करके फुलाते थे, जैसे स्ट्रो होती है हम, वो पतली सी होती थी लेकिन वो जो स्टिक होती थी तो हम फुलाते थे तो वो बलून सा बन जाता, इसमें से वो खुशबू सी आ रही है। शायद ये उसी टाइप का होगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया। तो जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी यूज़ टू होंगी, दो तीन दफ़ा ट्राई करूँगी तो और इससे अच्छा बना लूँगी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके और अच्छा बना पाऊँगी। इसके अंदर आप छोटे छोटे से कोई से बीड्स डाल सकते हैं, जो भी आप लोगों के घरों में पड़े हों, छोटे छोटे से बीड्स हों या स्टार्स हों, हार्ट्स हों, कुछ भी, एवरीथिंग आप ये दे सकते हैं। सबुन ने वो बलून फाड़ भी दी, मेरा पचका हो गया। खैर बच्चों का तो होता है कि आप ये कह रहे हैं मैं मम्मा अब मैं बनाऊँगा, तो ये बॉल्स हमारे पास इतनी सी थी, तो इतने से मैं जो भी हुआ आप लोग के सामने हुआ, आप लोग को अच्छा लगा होगा मुझे ही मेरा ये बनाना। होप सो मेरी वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप लोग ना सब्सक्राइब करते, ना लाइक कर रहे, ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे, और सब सब्सक्राइबर्स इतने स्लो स्लो बढ़ रहे हैं और एम आई सब चल रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और स्पेशली वो जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।